नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता खंडेकर एमएनएस न्यूज लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नागपुर विश्वविद्यालय ने नहीं बढ़ाई पीएचडी की फीस, वर्क शेड्यूल जारी। देश का पहला मेट्रो सेफ्टी पार्क उद्घाटित। आप विधायक सड़क छाप गुंडों जैसे बीजेपी नेताओं का आरोप। नागपुर विश्वविद्यालय ने नहीं बढ़ाई पीएचडी की फीस, वर्क शेड्यूल जारी। पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने कोर्स वर्क का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह कोर्स वर्क 10 दिनों के लिए होगा। इस बार भी इस कोर्स वर्क की फीस 7000 रुपये ही रखी गई है, जिसके कारण पीएचडी करने वाले विद्यार्थी फिर परेशान होंगे। पीएचडी कोर्स वर्क 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक होगा। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तारीख 10 नवंबर रखी गई है और इसी के साथ दूसरा कोर्स वर्क 10 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक होगा। इसके लिए विद्यार्थियों को 1 दिसंबर तक आवेदन भरना होगा। दोनों में 50-50 विद्यार्थियों की सीट है। कोर्स वर्क का मतलब पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को कोर्स वर्क सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा करना होता है। कोर्स वर्क के बिना कोई भी विद्यार्थी पीएचडी नहीं कर सकता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश का पहला मेट्रो सेफ्टी पार्क उद्घाटित। महामेट्रो की ओर से हिंगना मार्ग पर लिटिलवुड में निर्मित सेफ्टी पार्क देश में इस प्रकार का पहला ही प्रयोग है। इस पार्क से प्रेरणा लेकर पूरे देश में सेफ्टी पार्क का निर्माण होना चाहिए, ऐसा केंद्रीय गृह निर्माण व नगर विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा इन्होंने उद्घाटन अवसर पर कहा। इस अवसर पर महामेट्रो के व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित, दिल्ली महामेट्रो रेलवे के व्यवस्थापकीय संचालक मंगू सिंह, चेन्नई मेट्रो रेलवे के व्यवस्थापकीय संचालक पंकज कुमार बंसल, मेगा मेट्रो रेलवे के व्यवस्थापकीय संचालक विनय कुमार सिंह, नागपुर के प्रकल्प संचालक महेश कुमार, वित्त संचालक एस शिवनाथन, प्रशासन महाव्यवस्थक अनिल कुकाटे उपस्थित थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आप विधायक सड़क छाप गुंडों जैसे, विरोधियों को समझते हैं दुश्मन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्ला खान द्वारा धक्का देने का मामला तूल पकड़ लिया है। इस घटना के बाद एक के बाद सभी बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर हमला बोल रहे हैं। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।